अरे सर, आप कर्मी सेना के अध्यक्ष थे, वो राजपूतों के सर के ताज थे, वो उनके जाने का दुख आपको पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ आया नहीं तब से, आपने मुझे देखा यहाँ पर? जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एक हफ्ते से कभी आया हूँ मैं नहीं, दिन से शौक में जब से उनकी हत्या हुई है मैं चैनल देख ही नहीं पाता, इतना गुस्सा आता है, शौक के साथ गुस्सा भी बहुत आता है। डिप्रेस्ड है क्या? डिप्रेस तो नहीं होंगे लेकिन शौक तो है ही ना, डिप्रेशन अलग चीज़ है, राजपूत को भी डिप्रेशन नहीं जाता, डिप्रेशन में डाल जरूर देता है। मैं सभी राजपूतों को बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकार से चीज़ें संयुक्त होकर रहे, एक साथ होकर रहे, क्योंकि हम ही हैं जो इस समाज को बचा सकते हैं और किसी भी जाति का नहीं। खुल के कह रहा हूँ, राजपूत सामने आके बचा सकता है पूरे हिंदुओं को, और किसी में दम नहीं है। कोई बॉडी बना रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को जवाब दें। हवाले कर, राजपूतों को जरूरत नहीं किसी की भी, राजपूतों को किसी के साथ किसी से सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबका साथ सबका विकास करने वाला नेता आया हुआ है, इसलिए हम मोदी जी पे यकीन करते हैं कि मोदी जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सनातनी है मोदी जी, और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया, इसलिए हमने मोदी जी पे डाल रखा है। अगर कांग्रेस जैसे चोर चक्के ये निठल्ले लोग होते ना, तो अब तक हम लोग उसको पकड़ चुके होते, आप बात समझ रहे ना। लेकिन क्या है कि हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहते जो हमारे से गलत हो। अच्छा, जिस तरह से जेएनयू के अंदर लिखा गया था ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का बयान आया था कि राजपूत के क्षत्रिय के तलवारों से गुजरना होगा जो इन लोगों को भगाना चाहते हैं। आप देखिए, इतिहास गवाह है, राजपूत तलवार लेके बाहर आए, ब्राह्मण तलवार लेके आए। मंगल पांडे भूल गए आप? मंगल पांडे को भूल गए क्या? इसी तर्ज पे गोगामेड़ी ने बोला था कि हमने हमेशा ब्राह्मणों की और पूरे समाज की रक्षा करी, हम आगे खड़े रहेंगे और हम आगे खड़े रहेंगे। और मैं सभी राजपूतों को बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकार से चीज़ें संयुक्त होकर रहे, एक साथ होकर रहे, क्योंकि हम ही हैं जो इस समाज को बचा सकते हैं और किसी भी जाति का नहीं। खुल के कह रहा हूँ, राजपूत सामने आके बचा सकता है पूरे हिंदुओं को, और किसी में दम नहीं है। कोई बॉडी बना रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को जवाब दें। समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यों बोलूँ? आप बताइए ना, राजपूत का क्यों? शेर सिंह राणा ने क्या किया था अभी जाके? वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए थे, उसी के अंदर हिम्मत थी, उसी के अंदर गूदा था जो लेके आ पाया, और कोई लेके नहीं आ पाया। पकाती पकाती करते हैं, अरे हम ये कर लेंगे, जब वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। कतरनी और करनी में फ़र्क है। महाराणा प्रताप घास की रोटियाँ खाने वाले, उन्होंने अकबर को नानी के दूध याद दिला दिया था, आप समझ रहे ना। तो किसी भी कीमत पर ठाकुर तो झुकेगा नहीं, मैं भी ठाकुर ही हूँ और मैं किसी की मत में झुकने वाला ना, मैं किसी ना मरने से डरता ना मैं मारने से डरता। डर लग रहा है क्या आपको? बोल रहे हैं क्यों डर? अरे राजपूत नहीं डर सकता भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? राजपूत वो काम है जो मरने से कभी डरती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो तो हम संविधान को की इज्जत वो करते हैं, सम्मान देते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं, और देश में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो अपराध की श्रेणी में आते हो। अगर यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती ना, कानून नहीं, व्यवस्था नहीं होता, ये चल रहा था सत्युग का समय या तिरता का, अब तक तो औकात बाहर निकाल देते। आपको भी लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर रहे वो गलत जगह हाथ डाल दिया? अरे उसने हाथ कहीं गलत जगह डाल दिया, अब उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जिसने भी किया है उसे भुगतान करना पड़ेगा, और बहुत ही कृत्य किया उसने। लाल चौक पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने तिरंगा फहराया था, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति प्रेम था, और ऐसे लोगों का इस तरह से हत्या। अरे सर, आप देखो सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, राजपूतों ने ही हिंदू समाज को बचाया, और ब्राह्मणों ने, जिनको आज ये अपमानित करने पे लगे पड़े हैं। ब्राह्मणों को अपमानित किया जाता कि हमें कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। अरे भैया, अगर कुएं से पानी नहीं पीने देते थे तो हम लोग बचे कैसे, ये बता दो। अगर तुम्हारा अपना कुआ था तो तुमने कुआ क्यों नहीं खोदा अपना? अगर तुम इतने कर्मठ थे, कुआ क्यों नहीं खोदा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी जातियों ने किया, लेकिन बचाने का ही दोनों ने किया। ज्ञान दिया ब्राह्मण ने, और जान बचाई किसने? राजपूत ने। जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी है वो कह रहे इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर ही समाधान है। बिल्कुल, इनकी औकात नहीं भाई, ऐसी पता चलेगी। अभी संसद में जो किया है ना, वो है हिंदू ही, सीधा सर पे गोली मारने की, जैसे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई संसद में घुसने की? संसद में ऐसे कोई घुस जाएगा क्या? क्या बात कर भाई साहब, मोदी जी संज्ञान लेके इसको बिल्कुल लेके आए कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी में घुसता सीधा गोली मारने का आदेश होने चाहिए, सीधा गोली मारने का आदेश। तो बिल्कुल वो, मैं उनसे सहमत हूँ कि उसको तुरंत एनकाउंटर करना चाहिए। अरे जिसने गोगामेड़ी जी की हत्या करी है, और किसका? मेरा करवाओगे क्या एनकाउंटर आप? मैं गोगामेड़ी के हत्यारों की बात कर रहा हूँ, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो फांसी पे लड़ने चाहिए वो। अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, हमारे नेता चला गया, आपको थोड़ी कुछ गया है? आपका क्या गया है? बुरा मत मानना, हमारे नेता गया ना, उन्हें छुपके मारा ना, उनमें हिम्मत नहीं थी सामने के चैलेंज करते कि भाई साहब वहाँ आ जाओ, वहाँ आते हैं, नहीं कर सकते थे। छुपके कौन मारता है? कायर मारता है। आपको भी लगता है कि एक बड़े नेता का खो दिए? अरे सर, आप कर्मी सेना के अध्यक्ष थे, वो राजपूतों के सर के ताज थे, वो
उनके जाने का दुख आपको पता नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ आया नहीं तब से, आपने मुझे देखा यहाँ पर, जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एक हफ्ते से कभी आया हूँ मैं दिन से शौक में, जब से उनकी हत्या हुई है मैं चैनल देख ही नहीं पाता, इतना गुस्सा आता है, शौक के साथ गुस्सा भी बहुत आता है। डिप्रेस्ड है क्या? डिप्रेस तो नहीं होंगे लेकिन शौक तो है ही ना, डिप्रेशन अलग चीज़ है, राजपूत को भी डिप्रेशन में नहीं जाता, डिप्रेशन में डाल जरूर देता है। कैसे ये ठीक हो? न्याय जब मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय खुद कर लेंगे अपने आप। इसलिए मोदी जी सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के गोगामढ़ी के हत्यारों को के हत्यारों की को सख्त से सजा दी जाए, नहीं तो उसका राजपूत समाज अपने तरीके से निर्णय लेगा। अच्छा, मैं राजपूत समाज भाई साहब आप यहाँ खड़े हो माइक लेके, ये खड़े हैं यहाँ पर राजपूतों की वजह से, राजपूत राजाओं ने ही मुगलों को धूल चढ़ाई थी, क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब, क्षत्रिय राजाओं ने सत्ययुग त्रेता द्वापर में सबको सुरक्षा दी थी, अगर राजपूत नहीं होगा ना यहाँ कोई नजर नहीं आने वाला, क्या बात कर रहे हो, दो मिनट में सारे के सारे तलवार के दम पे सलवार पहन लेंगे। तो जिस तरह से रामलीला मैदान में एक होकर के न्याय के लिए आवाज बुलंद किया गया, भूल गए लगता है महाराणा प्रताप को, भूल गए आप पृथ्वीराज चौहान को, भूल गए कौन था, किस और कम्युनिटी से बताओ ना कौन राजा बाहर निकल के आया था, कोई नहीं निकल के आया इनसे लड़ने के लिए, सिर्फ राजपूत लड़ा है और राजपूत ने पूरे समाज को बचाया और आगे बचाता रहेगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा उनको? अरे नहीं नहीं, न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय ले लेंगे, राजपूत न्याय लेना नहीं जानता क्या? राजपूत न्याय लेना जानता और न्याय लेके रहेगा, चाहे वो कोर्ट के द्वारा ले या किसी और तरीके से, वो तो बीजेपी है, वो तो गोवा न्याय दिलवाई देगा, मैं उसमें पूरा भरोसा है। बीच में ये भी आ रहा है कि अशोक गहलोत के बेटे का भी इसमें हाथ है, जांच होना चाहिए, NIA जांच कर रही, सबसे बड़ी जांच है। कांग्रेस को बोला गया था कि सुरक्षा दे दो, सुरक्षा आपने मुझे याद दिला दिया, इसको पप्पू गांधी के जो मिनिस्टर गहलोत है उसको बोला गया था भैया गोगामढ़ी की हत्या होने वाली है, पंजाब से मैसेज आया है, उसको सुरक्षा दो, नहीं दी गई क्योंकि वो जानते थे और ये कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होंगे, ये कांग्रेस पार्टी और 26 दल ये इसमें लिप्त होंगे, 100% लिप्त होंगे, चाहे वो सामने से आके लिप्त हो या पीछे से लिप्त हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।